काला पीता तो लगाया है कि एक तो पहले जो अगले सत्र में विधायकों की पिटाई हुई, किसी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है मुसलमान का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, ये संविधान की हत्या है। अरे हिम्मत है, केंद्र में आपकी सरकार है एनडीए की, बिहार में प्रस्ताव ले आइए कि मुसलमान को वोटिंग राइट नहीं है। मेरा मानना है कि जितना हिंदू का इस धरती पर अधिकार है उतना मुसलमान भाइयों का है, सिख भाइयों का है, ईसाई भाइयों का है, क्रिश्चियन भाई बहनों का, सबका समान अधिकार है। इसकी निंदा हम करते हैं, घोर निंदा करते हैं। प्रतिष्ठा का यहाँ पे हनन हुआ, कपड़े फाड़े गए, मारे गए, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इस पूरे विधान जब तक चलेगा तब तक हम काली पट्टी बांधते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक तौर पर वो नफरती माहौल फैलाती है, उसी नफरती माहौल को फैलाने वाला एक व्यक्ति विधानसभा का मेंबर है, विधानसभा में संविधान की शपथ लेने के बावजूद वो बेहुदा बातें कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार करेंगे। उसको निकाला जाए, उसको सदन से निकाला जाए। 5 ईस्वी तक बिहार बीमारू राज्य था और हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री सुशील मोदी जी और तारकिशोर प्रसाद जी के नेतृत्व में यह बीमारू राज्य से विकासशील और विकसित राज्य बनने की श्रेणी में आगे बढ़ा है। ये आने वाला बजट बिहार के 13 करोड़ जनता के खुशहाली का बजट है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर सबों के उन्नति का बजट है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाला बजट है, किसानों के आय को दुगुना और तिगुना करने वाला बजट है, नौजवानों के रोजगार को पैदा करने वाला बजट है। इसलिए बिहार के बजट जो आज आने वाला है उस पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को हम शुभकामना देते हैं। प्रदेश में 300 प्लस सीट पुनः आएगी। आप लोग फिर हम लोग मिलेंगे 10 तारीख को और हम जो आज कह रहे हैं वो सत्य होगा। सर विपक्ष कह रही है कि बजट नीतीश मॉडल ले जाएगा। अब स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी पार्टी की बात रखेंगे। 80-20 पे अखिलेश चैलेंज कर रहे हैं कि जिस तरीके से योगी कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है। अनिल मोगाई, जिस दिन परिणाम निकलेगा 80% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और 20% परिणाम माननीय अखिलेश जी के पक्ष में। सर विपक्ष कह रही है कि बजट अगर किसान और युवा के हित में नहीं आया तो वो हंगामा करेंगे सदन। देखिए विपक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सार्थक विमर्श हो हंगामा की जगह नहीं है, ये बहस की जगह है और उनको भी शासन का मौका दिया गया था। बीमारू राज्य से बिहार नहीं निकल पाया और आज विकसित राज्य और विकासशील राज्य की श्रेणी में बिहार आ गया है माननीय नीतीश जी और माननीय तारकिशोर जी के प्रयास के कारण। देखिए बजट आने दीजिए, बजट का आकार कैसा होता है, जनता के हित में कौन सा बजट है, बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में कौन सा बजट है, महंगाई पर क्या इनका फोकस है, ये सब आने के बाद ही कुछ बजट पर बोलना हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कोई सलाह देंगे तो सरकार हमारी सलाह मानेगी नहीं, लेकिन जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद आती है तब हम उस पर प्रतिक्रिया देने का काम। किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए सर इस बजट में? बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में फोकस होना चाहिए, किसानों के जो अधिप्राप्ति का मामला है वो अधिप्राप्ति ढंग से नहीं हो पा रहा है, जैसे तैसे हो रहा है। जो सरकार ने तय की है धान की कीमत, वो धान की कीमत नहीं दे पा रही है सरकार और बिचौलियों से बेचना पड़ रहा है किसानों को बेवस होकर। इसलिए इस पर फोकस, बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के मामले पर फोकस होना चाहिए। अगर इस पर सरकार फोकस नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करने का काम करेंगे। 20 लाख रोजगार का जो दावा था अगर वैसा नहीं हो पाता है तो क्या आपका विरोध होगा? निश्चित रूप से सरकार तो पिछले चुनाव में अपना कहा घोषणा की थी कि 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन क्या 1 साल से 1.25 साल हो गए, 1.5 साल होने जा रहे हैं और अभी तक एक भी रोजगार नहीं मिल पाया है, तो बेरोजगारों का अगर रोजगार का सृजन नहीं करती है सरकार, नहीं देती है, तो निश्चित रूप से जोरदार ढंग से विपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग करने का काम करें। ABP News आपको रखे आगे।